अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर के दुर्गा नगर, आनंद नगर, केनाल साइट, कारेगांव रोड, यहां पर रहने वाले नागरिकों ने पीने के पानी की पाइपलाइन दी जाए, ऐसी मांग जिला अधिकारी को दिए हुए निवेदन में आज तारीख 30 मई 2023 मंगलवार के रोज की है। उस निवेदन में कहा है कि नगर आनंद नगर नाम से जो जाना जाता है, परभणी शहर की इस इलाके में कई 30 सालों से दुर्गा नगर में आनंद नगर कारेगांव रोड पर यह केनाल के साइड पर यह बस्ती बसी हुई है। यहां पर तकरीबन 12 से 15 घर होने के बावजूद यहां के 253 मतदाता इस मतदाता में इनका नाम शामिल है। इसके अलावा अन्य पूरी सुविधाएं शासन की मिल रही है, सिर्फ पानी की पाइपलाइन नहीं जाने के कारण 13 घरों को इसका नुकसान हमें अदा भुगतना पड़ रहा है, तो तुरंत इस पाइपलाइन को यहां से डाला जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज दिया गया। इस निवेदन पर तुकाराम गायकवाड़, भीमराव कांबळे, किशोर ढोपते, राजेश जाधव, विठ्ठल उतरवाड़ आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। परभणी जिले में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का माहौल इतना बढ़ चुका था कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका पारा बढ़ चुका था, लेकिन आज तारीख 30 मई 2023 मंगलवार के दोपहर तक यही माहौल दिखाई दिया। अचानक 6 बजे के बाद तूफानी हवाओं से शहर में तूफानी माहौल दिखाई दिया, जिससे रास्ते पर चलने वाले यातायात को भी बाधाएं निर्माण हुई। कई घरों के पतरे उड़ कर गए तो कई झाड़े रास्ते पर गिर गए हैं, जिससे यातायात में बाधाएं निर्माण हो रही है। कई जगहों के जो घटनाएं हुई है और जो माहौल हुआ है उसके हमारे संवाददाता ने जो दृश्य भेजे है, आइए देखते हैं किस तरह से। सेलू शहर के सारंग गली की पानी की टाकी से होने वाली जल आपूर्ति सेलू शहर के विविध इलाकों में 8 दिनों तक जल आपूर्ति नहीं होने की जानकारी सेलू नगर परिषद ने आज तारीख 30 मई 2023 के रोज अचानक ऐलान करने से इलाकों के नागरिकों में पानी को लेकर बड़ी परेशानी और दुविधा सामने आई है। उस दुविधा को निपटारा करने के लिए कम से कम पीने के पानी के इलाके के नागरिकों को मिले, इसके लिए टैंकर द्वारा जल आपूर्ति की जाए, ऐसी मांग नगर परिषद के सीओ को एक शिष्टमंडल ने मिलकर निवेदन द्वारा की है। निवेदन में कहा है कि सेलू स्थित निर्माण हो रहे हाईवे के 253 के काम का रास्ते का काम जारी है। ये काम अरबी मदरसे से लेकर शिवाजी महाराज पुतले के इस रास्ते का काम प्रगति पथ पर है। इस रास्ते के काम के कारण सारंगी गली पानी की टाकी से जलापूर्ति करने वाली जलवाहिनी बंद करनी पड़ती है। इसलिए जिस इलाके में सारंगी गली पानी की टाकी से पानी सप्लाई किया जाता था, तारीख 30 मई 2023 से मंगलवार के रोज से 8 दिनों तक पानी नहीं सप्लाई किया जाएगा, ऐसा ऐलान सेलू नगर परिषद की ओर से किया गया। अचानक ऐसा ऐलान करने से नागरिकों में अभी से ही परेशानी और दुविधा सामने आन पड़ी है। इतना 8 दिनों तक का पानी जमा करने के लिए आज तारीख 30 मई से लेकर 31 मई 2 दिन लगातार पानी सप्लाई करें, इसके बाद रास्ते का काम शुरू करें, क्योंकि नागरिक जीवन सुलभ रहने के लिए रास्ते से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा बढ़ते तापमान और शादियों की रेलचेल को ध्यान में रखते हुए पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए नगर परिषद सेलू जल आपूर्ति पूर्ववत होने तक पर्यायी व्यवस्था करें, कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था की जाए और उसके लिए टैंकर द्वारा पानी इलाकों में दिया जाए, सप्लाई किया जाए और नागरिकों की होने वाली दुविधा दूर करे, ऐसी मांग का निवेदन शिष्टमंडल ने दिया है। इस निवेदन पर अमजद बागवान, साजिद शेख, मुख्तार शेख, लालू खान, शेख रहीम भाई, रफीक बेलदार, बासित कच्ची, हादी बागवान आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, संपर्क 9921691008। परभणी शहर के दत्ताधाम कारेगांव, यहां पर जल जीवन जल आपूर्ति काम का भूमि पूजन विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों किया गया।
आज तारीख 30 मई 2023 मंगलवार के रोज परभणी शहर के कारेगांव यहाँ जल जीवन मिशन योजना के तहत जल आपूर्ति काम का भूमि पूजन परभणी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों किया गया। इस समय कारेगांव के सरपंच अप्पा राव वावरे, उप सरपंच शिव कुमार अवचार, नंद कुमार अवचार, कृषि उत्पन्न बाजार समिति संचालक फैजुल्ला पठान, कारेगांव ग्राम पंचायत सदस्य राजाराम वावरे, अर्जुन अवचार, चालिक अवचार, विनायक अप्पा गंधारे, रितेश हनवंते, गणेश देशमुख, नंदनी पानपटे, ज्ञानेश्वर जोगदान आदि के साथ शिवसेना के पदाधिकारी और दत्तधाम कारेगांव इलाके के नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। कारेगाव ग्राम पंचायतीच्या दृष्टिकोनातून अतिशय ऐतिहासिक आज हा दिवस आहे। आज जल जीवन मिशनच्या वॉटर सप्लायचा पाणी पुरवठा योजनेचा आज इतरिक्षर असे भूमिपूजन झालेलं आहे आणि या वॉटर सप्लायच्या स्कीममध्ये जवळपास 16 कोटी रुपये आपण खर्च करणार आहोत। त्यामध्ये विशेष करून एक वॉटर फिल्टरसुद्धा असल्यामुळं भविष्यकाळामध्ये या परिसरामध्ये पाण्याचा पिण्याचा जो प्रश्न होता तो 100% सुटलेला आहे आणि 50 वर्षाची पुढची लोकसंख्या गृहित धरून ही योजना आपण आणलेली आहे। त्याचा जे आयडेंटिफाईड केलेला सोर्स आहे तो सोर्स आपण राहाटी पुलापासून घेतल्यामुळं राहाटीच्या बंधाऱ्याहून 24 तास 12 महिने आज या परिसरातील सर्व लोकांना पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न जवळपास आता मिटणार आहे। या परिसराचा संपूर्ण विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून जवळपास 1.5 कोटी रुपये 25-15 माध्यमातून आपण इथं टाकलेले आहेत। त्यामध्ये CC रोड असतील, नाल्याचा प्रश्नसुद्धा आज मिटलेला आहे आणि जो मेन रस्ता आहे, मुख्य रस्ता कारेगावला जाणारा, तो सुद्धा मंजूर झालेला आहे। त्याचंही उद्घाटन, त्याचंही भूमिपूजन येणाऱ्या 15 दिवसांमध्ये आम्ही करणार आहोत। कारेगाव तसं पाहिलं गेलं तर सातत्यानं शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीर राहिलेला आहे, म्हणून कारेगावचा प्रश्न कोणताही असेल तर शिवसेना तिथं धावून येतील। या परिसराचा संपूर्ण विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून अनेक योजना या परिसरात आणण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे। राज्य में रुके हुए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें, ऐसी मांग बेरोजगार अभियोग्यता धारक छात्राओं ने की है। इस संदर्भ में जिला परिषद के CEO को आज तारीख 20 मई 2023 मंगलवार के रोज निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि राज्य के 2 महीना पहले ही शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा ली गई। शासन की ओर से कहा गया था कि जल्द से जल्द पद भर्ती होने वाली है, उस परंतु अब तक 55,000 पदों की भर्ती शुरू नहीं की गई, इसलिए तुरंत शिक्षक भर्ती शुरू करें, ऐसी मांग बेरोजगार अभियोग्यता धारकों की ओर से की गई है। इस समय सुरेंद्र पान झाड़े, अनिल चौहान, धीरा सूर्यवंशी आदि के साथ बड़ी संख्या में बेरोजगार अभियोग्यता धारक छात्राएँ मौजूद थे। शिक्षक भरती संदर्भात निवेदन देण्यासाठी आलेलं परभणी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक अभियोग्यता धारक की जे यावर्षी टेट परीक्षा व अगोदरची TET परीक्षा झालेली आहे, ते सर्व 5 उमेदवार या ठिकाणी की शिक्षण मंत्र्यांनी जी घोषणा केलेली होती की 5 जूनला शिक्षक हा प्रत्यक्षात शाळेवरती जाईल भरतीमार्फत, तर त्या संदर्भात अजून पण कोणतीही कार्यवाही होत नाही व कार्यवाही की पोर्टल सुरू झालेलं नाही आहे किंवा कोणतीच अंमलबजावणी आत्तापर्यंत झालेली नाही आहे, त्या संदर्भात आम्ही या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। तर आमची एवढीच विनंती आहे सरकारला की आपण सर्वात लवकरात लवकर शिक्षक भरती, 50,000 शिक्षक भरती, 55,000 शिक्षक भरती ही एकाच टप्प्यात पूर्ण करण्यात यावी। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। दिल्ली में घटी घटना, महिला हत्याकांड के अपराधी को रास्ते में भरे चौक में मृत्युदंड दिया जाए, ऐसी शिक्षा देने की मांग परभणी शिंदेगढ़ की महिला गाड़ी की ओर से आज तारीख 30 मई 2023 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। हुए निवेदन में कहा है कि 25 मई 2023 के रोज दिल्ली यहां पर
एक कमसीन युवती पर हत्या करने वाले अपराधी को साहिल को चौराहा में मृत्युदंड की शिक्षा दी जाए। इसके अलावा कानून व्यवस्था और राज्य में स्थापित करने के लिए और बार बार हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को देखते हुए कानून व्यवस्था पर और न्याय व्यवस्था से महिलाओं का विश्वास उठता नजर आ रहा है और नागरिकों में उदासीनता दिखाई दे रही है। अपराधी साहिल को भी चौराहा पर मृत्युदंड दिया जाए और लोक संख्या नियंत्रण कानून लागू करने की जाए, ऐसी मांग परभणी के शिंदेगढ़ महिला आघाड़ी की ओर से की गई है। निवेदन पर शिवसेना महिला आघाड़ी के जिला संगठक शीलाताई शेट्टे, मागासवर्गीय विभाग जिला प्रमुख कल्पनाताई दलवी, स्वप्नाली वड़ेकर, पूजाताई शेट्टे, लताताई शिंदे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। जे 28 तारखेचं प्रकरण घडलं, साक्षीचं सायंना हत्या केली, त्या प्रकरणामध्ये सखोल चौकशी करून त्याला जाहीरपणे चौकात फाशीची शिक्षा द्यावी ही आमची नम्र विनंती। शिवसेना महिला आघाडीकडून आम्ही आज निवेदन देऊन जाहीर निषेध केलेला आहे त्या मृत्यूचा आहे। आणि ह्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमध्ये महिलांवर अत्याचार होत असेल तर या शिवसेनेमध्ये आम्ही सहन करणार नाही। जे दिल्लीमध्ये काल झालेली जी घटना आहे साक्षी प्रकरण, त्या मुलीला, अल्पवयीन मुलीला तिची हत्या करून ज्या नराधमाने तिला मारलं त्याला भर चौकात त्याला जाळून सगळ्यांना या दाखवून द्यावं की यापुढे जर महिलावर अत्याचार झालं तर कुठलाही दंड न देता डायरेक्ट चौकामध्ये उभं राहून त्यांना फाशी देण्यात येईल, म्हणजे यानंतर हे वारंवार घडणारे गुन्हे हे कमी होतील। आम्ही आज परभणी जिल्हा शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन याचा जाहीर निषेध करत आहोत। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। परभणी तहसील के मौजे उकड़त में हुई अमानवीय घटना को लेकर गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के नांदेड़ संगठना के पदाधिकारियों ने मिलकर जिला कर्तव्य अध्यक्ष SP राग सुधार से मिलकर निवेदन देते हुए आज तारीख 30 मई 2023 के रोज कहा है कि मौजे उकड़त में जो घटना हुई है उसका निषेध दर्शाया और इस घटना की जाँच CBI के मार्फत की जाए, ऐसी मांग की गई। इस समय दिए हुए निवेदन में कहा है कि 27 मई के रोज उकलत रास्ते से जा रहे कृपा सिंह भोंड, गोरा सिंह टाक, अरुण सिंह टाक इन्हें चोर समझकर लोखंडी रॉड से और आंखों में मिर्ची डालकर बांधकर मारा गया। इसी में कृपा सिंह भोंड की मौत हुई है तो दो बुरी तरह जख्मी हुए। इस घटना का उच्च स्तरीय जांच की जाए। CBI द्वारा जांच करते हुए जख्मियों के परिजनों को और मृत व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक मदद की जाए, ऐसी मांग सिख संगठना की ओर से दिए गए निवेदन में की गई है। निवेदन पर अवतार सिंह पहरेदार, रविंद्र सिंह कपूर, बलबीर सिंह, तेंगा सिंह बावरी, जसपाल सिंह, जहांगीर सिंह बावरी, हरमोहन सिंह टाक आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। मानवता को कलीमा पहुँचाने जैसी घटना घटी, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे गुरुद्वारा तक सचखंड बोर्ड की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल आया, जिसके अंदर में गुरुद्वारा बोर्ड के सहायक अधीक्षक रविंद्र सिंह जी कपूर, राज देवेंद्र सिंह कंडा और गुरुद्वारा बोर्ड के सभी अधिकारी आए। ये सभी गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक श्री परविंदर सिंह पसरीचा जी के मार्गदर्शन में आए हैं। आज हमने यहाँ जिलाधिकारी जी को यहाँ पे अभी निवेदन दिया है और कहा है परभणी का नाम देश में तो बदनाम हुआ, उसी तरह विदेश में भी बदनाम हुआ इस घटना के माध्यम से। जिला प्रशासन को हमने कहा है कि आरोपी कोई भी हो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और अभी हमने देखा FR में कि आरोपियों की संख्या बहुत कम बताई गई है, ये मॉब ब्लीचिंग का प्रकार है जिसके अंदर में 40-50 लोगों ने मिलकर मासूम 3 बच्चों को, जिसमें एक की तो वहीं पर मृत्यु हो गई है, 2 गंभीर रूप से जख्मी, उन्हें भी हम जाके देखते हैं। जब उनसे हमने बात की तो हमें बताया कि माइक में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि चोर आए उन्हें पकड़ी है। ये जो शिकलगरी समाज है ये एकदम मेहनत करके अपना पसीना बहा के अपना पेट भरने वाला है। इनका काम आप देखते हैं कि हर जगह पे ये जो है सो चक्कू छुरी ये बना के करते हैं और पार्ट टाइम के अंदर में इनका बिजनेस होता है। जो दुक्कर सुअर होते हैं उसको पालते हैं, उसकी मांगनी दक्षिण में बहुत होती है। गांव के अंदर जब गांव से किसी का फ़ोन आया कि आपके जानवर आए ले जाओ, वो लाने के लिए ये लोग गए थे। और मासूम बच्चे 15-16-17 साल के बच्चे, उनको इस तरह कहाँ इंसानियत, उस गांव में इंसानियत है ही नहीं है। इसके लिए हमने निवेदन दिया है, अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो जल्दी हमारा एक शिष्टमंडल सचिजा जी के मार्गदर्शन में हम होम मिनिस्टर जी को जाके बॉम्बे में भी मिलने वाले हैं और इसकी चौकसी हमने CID से माध्यम से लगाने की डिमांड की है। और जल्दी मेरे ख्याल से परभणी के भी जो यहाँ के हमारे भाई है शिकलगरी भाई और नांदेड़ के भी लोग आके जल्दी एक मोर्चा निकालेंगे। हम अभी देख रहे हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे भी हमें आंदोलन के मार्ग बढ़ेंगे।
हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।